अपने YouTube पर अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, उसका क्या सही तरीका है, आपको क्या क्या देना है, जैसे कि मैं बात करूँ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंब्स और आपके टैग्स, और साथ ही आप आई कार्ड कैसे लगा सकते हैं और वहां पर आप इन स्क्रीन कैसे लगाएंगे और आप कैसे अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अगर नहीं पता है, आपको डिटेल कैसे फिल करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आप कैसे वीडियो अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल के जरिए अपने YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से। उसमें आप जैसे कि आप अपना एक क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे डिस्प्ले पर दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको टैब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक टैब नया ले लेना है और इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे और ऐसे ही आपका डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं YouTube स्टूडियो, ठीक है। जब आप YouTube स्टूडियो लिखेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर YouTube स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा और आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद इसे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा क्लिक करने के बाद स्टूडियो पर। और आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई देगा और एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। तो आपको इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन मांगेगा फाइल का, आप क्रिएट से भी जा सकते हैं। फ्रेंड, आप पर को यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा सिलेक्ट फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपकी लोकेशन मांगेगा वीडियो को, आपको वहाँ पर चले जाना है फाइल पर क्लिक करने के बाद, और आपकी जहाँ पर भी फाइल रखी हुई है वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं वहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको अपने फाइल को सर्च कर लेना है जहाँ पर भी आपकी वीडियो फाइल है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी वीडियो है आपको अपलोड करना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है उसे, और उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपका वीडियो अपलोड इसके बाद होने लगेगा। तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, साइड में फर्स्ट में ऑप्शन जो डिटेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको जो टाइटल नाम दे रखा है अपने वीडियो को, आप अपना वीडियो पर कोई नाम अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको डिटेल में टाइटल है तो फर्स्ट में आपको अपना टाइटल दे देना है, अगर आपने वीडियो पर नहीं डाला है टाइटल तो आपको यहाँ मैनुअली लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो भी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर लिख रखा है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर आपने सेव कर रखा है। नहीं सेव किया है तो आपको यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ऊपर जो टाइटल है उसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ा कर देना है। आपको इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, इस कीबोर्ड में जाना है, आपको हैशटैग लगाना है, और यहाँ पर हैशटैग आप जैसे आप अपने वीडियो के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना जो भी वीडियो जिसके रिलेटिव मैंने बनाया है, तो यहाँ पर ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना हैशटैग वो यूज कर लेना है और लिख देना है। तो इस तरह से लिखने के बाद जो आपने ऊपर अपना टाइटल कॉपी किया था, थोड़ा एक बार नीचे दो बार टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और जो टाइटल है आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और इस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा ऑप्शन आपका थम्स है, तो आपने थम्स बना रखा है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपने थम्स नहीं बनाया, आपको नहीं पता है कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पर ऊपर मेरे आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड यहाँ पर जब आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे और हैशटैग लगा देंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जो वीडियो आपको यहाँ पर थम्स मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड थम्स पर क्लिक करना है, अपलोड थम्स पर, और जब आपके थम्स यहाँ पर देख लेंगे जहाँ पर आपने थम्स बना रखा है अपना, उस लोकेशन पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और आपको जो थम्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से साइड में दिख जाएगा जब पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पुराना ही कोई रखना चाहते हैं जो ऑटो जनरेट हुआ है तो इनमें से कोई ले सकते हैं, अगर आप कस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको यहीं से लगाना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। अब आपने जो वीडियो बनाया है उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देनी पड़ेगी, आपने अगर प्लेलिस्ट पहले ही बना रखी है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई है तो यहाँ पर एक क्रिएट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा,
तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई टाइटल दे देना है। तो टाइटल पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई टाइटल लिख देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से आपका टाइटल मांगेगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो फ्रेंड इस तरह से आपको यहाँ पर अपना प्लेलिस्ट का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप पब्लिकली रखना चाहते हैं तो पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट पर जब क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पर बन जाएगी और आपको इसे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप टाइप कर देंगे, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे डन कर देना है, डन कर दीजिए और आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे तरफ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप जो कंटेंट डाल रहे हैं उसको ध्यान देना है कि आपने कहीं वो बच्चों के लिए तो नहीं बनाया। अगर बच्चों के लिए आपने बनाया तो ऊपर आप यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे और जाएंगे, इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो नीचे आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मोर ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, टैग्स। तो आपने जो टैग्स बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ टैग्स का ऑप्शन आ गया, तो टैग्स में आपका अपना वीडियो जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो आपके वीडियो का टाइटल है उसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपका जो वीडियो का टाइटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप उससे रिलेटिव बहुत सारे और टैग्स देना चाहते हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टैग्स जब आप काफ़ी सारे लगा लेंगे, जो भी आपको नहीं पता है टैग्स कैसे लगाना है और कैसे बनाने हैं, तो आपको मेरे आई कार्ड में ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आप लगा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने चैनल का नाम भी दे देना है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नाम देना है, तो आपको यहाँ पर नाम कुछ इस तरह से लिख देना है अपने चैनल का नाम। तो आपको दो तरह से यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक आपको स्पेस दे के लिखना है, एक आपको बगैर स्पेस के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लिख देना है, बाकी सब स्मॉल में लिखना है एक। ठीक है, आपको इस तरह से दोनों तरह से आपको अपने चैनल का यहाँ पर नाम डाल देना है। उसके बाद बाकी यहाँ पर आप टैग्स यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप जब यहाँ पर टैग्स दे देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, साइड से करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको वीडियो की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे टैब खुल जाएगा। तो आपकी जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। और उसके बाद आपको इस तरह से आपकी लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कैप्शन देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नॉन रख दीजिए। अगर आपको रिकॉर्डिंग की डेट यहाँ पर आपको पता है और आपने आज रिकॉर्डिंग किया तो आप आज की भी डेट देख सकते हैं। उसके बाद जब आप इस पर डेट आ जाएगी, जैसे कि आज है तो मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ, अब ये आपकी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। वीडियो लोकेशन देना चाहते हैं तो आप वीडियो लोकेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का नाम लिख देना है, जो भी नाम है आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा और सिलेक्ट कर लेना है उसे। ठीक है, आपको इस तरह से जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो कंट्री का नाम है यहाँ पर वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाम लिखकर भी आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको लाइसेंस वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लगभग आपके यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर अपने वीडियो की कैटेगरी क्या रखनी है, तो यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी परमानेंटली सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैंने वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है तो मैंने यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लिया है। इसे आप डिफॉल्ट परमानेंटली सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा आने वाले वीडियो में। आप इसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको सारी चीज़ें वेरिफिकेशन फिर से कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है ऊपर वीडियो का, तो आपको यहाँ पर वीडियो कर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि इंड स्क्रीन क्या होता है और ऐड आई कार्ड क्या होता है, तो इन चीज़ों के लिए मेरा आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इंड स्क्रीन के बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको ऐड पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप अपने वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर, ठीक है, आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से टैप खुल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड कर रखा है तो मोस्ट रिसेंट में जो आपके वीडियो को ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना चूज करना चाहते हैं अपना वीडियो खुद का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो आपका वीडियो की लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसी तरह से अपने जो भी बहुत सारे वीडियो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे वीडियो में क्लिक कर दीजिए, प्लस पर फिर से क्लिक कर देना अगर और ऐड करने हैं। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करना है और
और दूसरा वीडियो अगर सिलेक्ट करना है या बेस्ट व्यूवर वाला करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो रिसेंटली मेरे वीडियो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। बाकी आप और भी चीज़ें चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएँ। जैसे मैं चैनल के लिए बता दूँ आपको, यहाँ पर चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब का चाहते हैं तो सब्सक्राइब का आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पर सेव कर लेना है। यहाँ पर आप चार चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने तीन करी हैं और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। उसके बाद जब आप इसे सेव कर लेंगे तो आपका यहाँ पर इंड स्क्रीन लग जाएगा। आई कार्ड अगर आपको तब लगा सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर वीडियो में किसी के बारे में बताया कि जैसे कि आपका वीडियो है कोई, अगर आपने वीडियो बना रखा है उसके बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस पर सिर्फ ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू टैब खुल जाएगा और न्यू टैब खुलने के बाद आपका प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आपका एक न्यू टैब खुल जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पर अपना आपको देना है यहाँ पर आई कार्ड, तो उस तरह से यहाँ पर आप 5 आई कार्ड दे सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक ऐड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप 5 ऐड कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वीडियो या प्लेलिस्ट में आपका वीडियो है या चैनल आपको ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप चाहें पोल वगैरह इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो आपको जो है मेरा वीडियो वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आई कार्ड में लगाने के लिए। और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जो भी वीडियो आपको आई कार्ड में लगाना है, चाहे एक लगाना है, दो लगाना है, तीन या चार पाँच जो भी लगाना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको लगाना है, जहाँ पर आपने बताया। तो इस तरह से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आप उसी पर जाना चाहते हैं तो यहाँ रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिटर्न में चले जाएंगे आप जहाँ पर आपका वीडियो अपलोड है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टैब पर क्लिक करना है और जहाँ पर आप वीडियो अपलोड कर रहे थे आपको डायरेक्ट उस पर चले जाना है। ठीक है, जब आप यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऐड कार्ड भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिखाया रहा है वेरी विजिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन आपका विजिबिलिटी का, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप जो अपनी पोस्ट है यहाँ पर पब्लिक देना चाहते हैं, पब्लिकली करना चाहते हैं कर सकते हैं, या प्राइवेट रखना चाहते हैं जो भी चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं और शेड्यूल भी दे सकते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद जब आपका नीचे देख लेना है आपका नीचे प्रोसेसिंग हो गया है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन मांगेगा, आपको पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको देख लेना है जो आपका वीडियो है वो यहाँ पर प्रॉपर अपलोड हो जाना चाहिए और सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। और एक बार ये सारी चीज़ें चेक जरूर कर लेनी है जो कि मैंने अभी बताई हैं, आप दोबारा से वीडियो देख कर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पब्लिश पर जब आप क्लिक करेंगे, जो आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है फ्यू टाइम, और इस तरह से जब आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ वीडियो पब्लिश दिखाएगा और आपको यहाँ पर आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है, अगर आपको कहीं शेयर करना है कुछ करना है तो आपको कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में क्या करना है, ऐसे ऑप्शन दिख जाएगा, आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जब आप वीडियो वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको आपके यहाँ की वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो आपने यहाँ पर वीडियो डाला है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो वीडियो है पब्लिश हो चुका है, पब्लिक आ गया है नॉन, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो व्यू हो जाएंगे यहाँ दिख जाएंगे, कमेंट्स और आपको सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी वीडियोस डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद।